हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम पढ़ रहे हैं आपके पास एन सी आर टी ट्वेल्थ क्लास के का चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया एड जॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर सिंपली हम कह सकते हैं एड जॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और जो आज मैं आपके पास जो टॉपिक लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं एक प्रोसेस आपके पास था थर्ड चैप्टर में आपके पास जो हमने आपने पढ़ा था मैट मैट्रिसेस जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें भी हमने एक मेथड पढ़ा है इनवर्स मैट्रिक्स के लिए वो है आपके पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड और एक मेथड आपके पास इस चैप्टर में से आपके पास संबंधित आपके पास जो डिटर्मिनेंट फोर्थ जो चैप्टर है उससे आपके पास मिलेगा इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में जो कि टोटली डिपेंड करेगा जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं कोफैक्टर माइनर्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जो आने वाले जो अपडेट्स हैं या नए जो वीडियोज़ हैं वो आपको उसका अपडेट आपको प्राप्त होता रहे आपके पास ठीक तो शुरू करते हैं आपके पास आज का टॉपिक टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे आपके पास सिंगुलर आपके पास और नॉन सिंगुलर यानी आपके पास अव्युत कर्मणीय या अव्युतकर्मणिया ठीक तो देखिए आपके पास तो जो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम पढ़ी है देखे के पास उसके अनुसार हमें पता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको प्रॉब्लम है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए इंटू एट ए इक्वल टू एट ए इंटू ए इक्वल टू हमेशा आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये हमको पिछले वीडियो में प्राप्त हुआ है और इसके अलावा अगर आपको याद हो जो हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर में पढ़ा है उसके अनुसार आपके पास क्या प्राप्त होता देखिए आपके पास उसके अनुसार आपके पास प्राप्त था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या कहलाता आपके पास इन्वर्टिबल कहलाता है क्या कहलाता था इन्वर्टिबल यदि इस ये ए क्या कहलाएगा इन्वर्टिबल कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एन अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट आपके पास ए के लिए बी का एक एक मैट्रिक्स का असर इस प्रकार से हो कि ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए इक्वल टू क्या प्राप्त हो आई प्राप्त हो ये दो आपके पास एक तो ये हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा आपके पास पिछले वीडियो में और ये हमने आपके पास तीसरे चैप्टर पढ़ा था इन्वर्टेबल होने का केस ठीक तो ये जो थ्योरम है इसके आधार पर मैं आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स निकालने वाला हूँ मैं क्या करूंगा ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये जो इक्वेशन आपके पास थ्योरम के रूप में है इसको मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब ध्यान देना के बाद मैंने इस पूरे मैट्रिक्स की जो आपके पास एक जी जो आपके पास थ्योरम के रूप में हमने पढ़ा था या रिलेशन में पढ़ा था हमने ए और उसके एट के बीच उसको मैंने क्या कर दिया डिवाइड इस पूरे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मुझे क्या प्राप्त हो देखिए हो जाएगा ए इन टू ए होल अपॉन डिटर्मिनेंट ए पहला भाग ये हो जाएगा दूसरा भाग हो जाएगा पद एट जॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो ए से कैंसिल की बचेगा आए तो कुछ मुझे इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है या मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ M एम्प्लायज Z मैंने लिख दिया ए इंटू एट ज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए या फिर एट A ए अपॉन डिटर्मिनट ए इंटू एक्वल टू आ ये कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा अब जब मैं ये आपके पास इक्वेशन मैंने कहा ये थर्ड है अब मैं जब इसकी तुलना करता हूँ जब मैंने इसको कंपेयर किया देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन सेकेंड और जो इक्वेशन थर्ड है इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो इन दोनों के आधार पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ इस बी के स्थान पर क्या आ रहा है यहाँ पर ये मैट्रिक्स है यानी ये बी है और ये भी क्या है बी तो यानी देखो अगर मैं इस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड के आपस में कंपैरिजन करता हूं तो मैं देखू ए के साथ मल्टीप्लाई हमारा बी है तो ए के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई है और इसी प्रकार से बी ए तो बी गई मुझे क्या प्राप्त हो रहा है बी इक्वल टू प्राप्त हो जा रहा है एट ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो मुझे बी इक्वल टू मिल रहा है और आपको याद हो तो इस केस में बी ही क्या कहलाता है ए इनवर्स कहलाता है यानी इस केस में क्या करेगा ए इनवर्स आपके पास इक्वल टू क्या जाएगा बी इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालने का क्या निकालने का इनवर्स निकालने का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है इस फॉर्मू को देखें तो मुझे आपके पास प्राप्त हो गया है ए इनवर्स यानी इनवर्ट मैट्रिक्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है वो है एड ज्वाइंट ऑफ ए इन टू ए डिटर्मिनेंट ए अब याद रखना आपके पास वेयर ए इनवर्स इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए अब ये इस प्रकार से आपके पास है अब आपको मालूम है तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आया है ए इनवर्स इक्वल टू एड ए अपॉन ए अब देखो ये एड के रूप में आपको एक मैट्रिक्स मिलता है और आपके पास क्या मिलता है वन अपॉन ए क्या होता है आपको सिंपली एक संख्या आपके पास नंबर के रूप में मिलता है क्वांटिटी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है ठीक तो यानी मैं इसको ऐसे लिखता हूं ए इनवर्स अब आपके पास फॉर्मूला होगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इन टू एड ज्वाइंट ऑफ ए ये इस प्रकार से तो ये आपके पास है मेन फॉर्मूला इसके आधार पर ही हम क्या निकालने वाले अब अब क्योंकि मुझे मालूम है मैंने इस चैप्टर में इस फोर्थ चैप्टर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना भी सीख लिया है और इससे पिछली वीडियो में आपको एड ज्वाइंट निकालना भी बताया आपके पास जो कि एड ज्वाइंट तो ऑफ कैसे निकालते हैं किसी आपके पास वर्ग आव्यू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके प्रत्येक एलिमेंट के को फैक्टर निकाले जाएंगे और उसके बाद उन को फैक्टरों को रिप्लेस करना है एलिमेंट्स की जगह पर तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ट्रांसपोज निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगा बस ठीक तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया है ए इनवर्स इक्वल टू वन अंट सारिके यानी वन अपॉन डिटर्मिन इन टू एड ऑफ ए तो इस प्रकार से अब इस फॉर्मूले पर ही आधारित आपके पास कि हम इससे पता लगाएंगे कि जो आव्यू आपके पास ए है वो इन्वर्टिबल है अथवा नहीं यानी वो व्युत्कर्मणिया है अथवा नहीं तो देखिए इस फॉर्मूले को याद रखिए आपको ये जो है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए अगर आपके पास जीरो होता है तब आपको ए इनवर्स नहीं प्राप्त होने वाला यानी वो अपरिभाषित हो जाएगा और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो ए इनवर्स आपको कैलकुलेट हो जाएगा और इसी पर इसी ए इन्वर्स की वैल्यू के जीरो होने और जीरो नहीं होने की स्थिति पे ही आप पढ़ते हैं आपके पास आपके वित्त आव्यू वो अवित कर्मण आपके पास तो देखो पास नेक्स्ट टॉपिक पास जो है वो है इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल आपके पास है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या दूसरा टॉपिक आपके पास हो जाएगा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप थोड़ा ध्यान देना सिंपल सा है इन्वर्टिबल होने के लिए आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए अगर ये जीरो नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा पर अगर आपको उसको नॉन इन्वर्टेबल अव्युत होता है क्या डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होना, होना चाहिए जीरो आपके पास ठीक है तो ये केस आपके पास है इन्वर्टेबल कब कहलाएगा मैट्रिक्स जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा जीरो नहीं होगा ठीक है और ये कहलाएगा आपके पास नॉन इन्वर्टिबल कहलाएगा आपको यानी अव्युतकर्मणियां हिंदी में कह रहे इसको व्यूतकर्मणिया इसे कहते हैं अव्युत कर्मणिया व्यूतकर्मणिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा और इसमें इसके लिए आपके पास एक स्पेशल आपके पास किताब में एक अलग सा टर्म आपके पास आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपके पास ठीक है तो सिंपल सा आपके पास है देखिए इन्वर्टिबल को हम कहते हैं सिंगुलर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसे हम कहेंगे आपके आपके पास सॉरी ये जीरो वाला ये नॉन सिंगुलर आपके पास और नॉन इन्वर्टेबल को कहते हैं सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स अब कई बार एक नंबर क्वेश्चन आता है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर कब होगा तो आपको कहना है जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है जीरो आक और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट यानी आपके पास ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है और नॉन सिंगुलर की बात कहें तो इसे हिंदी में कहते हैं आपके पास व्युतकर्मणी और ऐसे कहते हैं अव्युतकर्मणी आप आपके पास ठीक है तो सिंपल आपके पास है नॉन सिंगुलर के केस में आपके पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है अगर ये जीरो तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसलिए आपके पास टाइम पर ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस कब होगा जब डिटर्मिनेट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कहते हैं हम नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल कैसे कहेंगे जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रही हो रही होगी आपके पास सिंपल सी वो आपके पास जीरो हो जाए क्योंकि जीरो होगा तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार क्या मिलेगा आपको आपके पास जो इनवर्स की जो वैल्यू नहीं क्या होगी वो नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा उसमें हम ए इनवर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते यानी वो डिफाइंड या एग्जिस्ट नहीं करने वाला है जबकि अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो हम उस टाइम पर कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है और वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे फॉर्मूला हमको मिला हुआ आपके पास ठीक है तो इस प्रकार से पास अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूँ हुआ देखिए अब एग्जाम्पल देखिए के पास क्वेश्चन आपके पास पहले सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फिर मैं आपको थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स बताऊँ ठीक है तो देखा पास यदि आपके पास ए मैट्रिक्स ये है मैट्रिक्स ए देखा आपके पास जो कि सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक देन फाइन एड ज्वाइंट ए पहले क्या निकालना है एड ज्वाइंट ए निकालना है मतलब इसका सैकंडा जहां निकालना है और इसके बाद निकालना है ए इनवर्स ए इनवर्स निकालना है पर यदि उसका अस्तित्व हो अस्तित्व होगा तभी निकाला अगर अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकाला ठीक है तो देखो एक बार सबसे पहले जो हमें दिया हुआ आपके पास देखो सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स इज आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है वन टू थ्री फोर ये इस प्रकार से ठीक है तो ये मैट्रिक्स ए आपके पास है तो आपको एडजॉइंट निकालना है तो मुझे मालूम है प्रत्येक एलिमेंट के क्या निकाले जाएंगे को फैक्टर निकाले जाएंगे एक तो को फैक्टर वाला है पर सेकंड ऑर्डर जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बताया मैं इस टाइम पर आपके पास रिवीजन के लिए दोबारा से आपके पास दोनों ही मेथड बता रहा हूँ देखिए सबसे पहले हम इसके प्रत्येक एलिमेंट के क्या निकालेंगे आपके पास उनके को फैक्टर निकाले देखोगेगा देखो सबसे पहले एलिमेंट है पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूँ एलिमेंट्स को निरूपित करते हैं ए आई जे के द्वारा ठीक और

मैं इस बार माइनर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैंने आपको पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल करा मैंने पहले माइनर निकाला था जो कि को फैक्टर निकाला यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ सीधे आपको देखो करना क्या है कि वन प्लस वन क्या है टू क्या होता है टू ये जो कि क्या आ रहा है इवन नंबर यानी आपके पास सम संख्या तो सम संख्या में आपके तो पास यदि लेना प्लस लेना है क्या लेना प्लस अब करना क्या है जिस पंक्ति और जिस कॉलम में ये एलिमेंट था पहली पंक्ति पहले कॉलम उसको हटा देना इस मैट्रिक्स से पहली पंक्ति और पहला कॉलम हटा के मिल गया चार यानी फोर तो क्या मिल जा रहा है प्लस फोर इसी प्रकार से ए वन टू है टू इसका जो को फैक्टर होगा वह होगा कैपिटल वन टू ऐसे ही अब ध्यान देना वन प्लस टू क्या होता है वन प्लस टू होता है थ्री जब आपके पास जैसे पहले वाले में क्या है सम संख्या रहा है दोनों का योग टू आ था ना तो प्लस लेना है और वन प्लस टू यहां पर थ्री और था जो कि आपके पास विषम है यानी ऑड है तो ऑड के इसमें क्या लेना है माइनस ले लेना है यहाँ पर क्या लेना, लेना माइनस और करना वही है जिस पंक्ति और जिस कॉलम में ये एलिमेंट उसको हटा देना यानी पहली पंक्ति हटेगी पर दूसरा कॉलम हटेगा तो क्या बच रहा है केवल थ्री तो क्या बच रहा है माइनस थ्री तो इसका कोफैक्टर क्या मिलेगा पा रहे ठीक इसी प्रकार से ए टू वन जो कि प्राप्त हो रहा है थ्री इसका कोफैक्टर होगा ए टू वन अब वही टू प्लस होना था थ्री जब आपके पास ऑड नंबर आ रहा है जैसे तो थ्री था तो क्या मैंने लेना है? नेगेटिव ले लेना आगे से ठीक है और उसके बाद वही जिस पंक्ति और जिस कॉलमस को डांगे क्या मिलेगा आपके पास टू यानी मिल रहा है माइनस टू और लास्ट ए टू टू वो है आपके पास फोर और इसके लिए को फैक्टर निर्भर करेंगे कैपिटल ए टू टू अब देखो टू प्लस टू होता है फोर क्या लेना है पॉजिटिव ठीक है जब आपके पास इवन नंबर तो पॉजिटिव और जब ऑड नंबर हो तो क्या ने 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 लेना नेगेटिव लेना ठीक तो आपके पास इसी प्रकार से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटाएंगे आसे तो क्या बच रहा है केवल वन तो बच जा रहा है आपके पास प्लस वन तो इसका एडजॉइंट क्या होता है देखें देन एडज्वाइंट ऑफ ए इस केस में क्या होगा वही हमें करना क्या है एलिमेंट के स्थान पर उनके को फैक्टर मतलब आपके पास ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और इस मैट्रिक्स का लेना ट्रांसपोज तो जब हम एलिमेंट रख रहे हैं तो ये हो रहा है फोर माइनस थ्री माइनस टू वन और जैसी हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा देखो पास ये हो जाएगा इस प्रकार से जैसे मैं इसको ट्रांसपोज कैसे लेता आपको मोला पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हो जाएगा फोर माइनस थ्री माइनस टू और प्लस वन तो ये आपके पास मिल गया एट ऑफ ए यानी सेकंडज प्राप्त हो गया आपके पास ठीक तो एक मेथड तो ये है जो आपके पास मेन मेथड यही है पर टू क्रॉस टू के लिए याद रखना जो टू क्रॉस टू का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए आपके पास देखो उसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है एफ ए इक्वल टू है वन थ्री टू एंड फोर देन एट ऑफ ए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आपको बताया है गया था करते क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो ये मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो four, के के क्या हो जाएंगे इंटरचेंज ये साइन ऑफ इंटरचेंज का ठीक है तो यहाँ आ जाएगा फोर यहाँ आ जाएगा वन और जो अदर्स एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जितने भी अदर एलिमेंट हैं उन सबका क्या होगा साइन चेंज हो गया हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस टू तो देखिए एडजॉइंट सेम प्राप्त हो रहा है आपके पास ठीक है तो मैंने आपके पास एडजॉइंट हमारे पास एक पार्ट हो गया है ठीक अब मुझे क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालना है तो पहले हम चेक करें कि ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं होता है आपके पास ठीक है उसके लिए क्या करेंगे वो मैं आपको देखें तो आपके पास मैट्रिक्स ए के लिए मुझे ए इनवर्स निकालना है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है ए इनवर्स तो पहले मैं आपके पास देखा जो आपके पास प्राप्त हो गया है हमें प्राप्त हुआ है एड प्राप्त हो गया है ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू हमें मिला है तो यही आपके पास मैट्रिक्स था सॉरी आपके पास यहाँ पर थ्री है यहाँ पर क्या था फोर मैट्रिक्स में यहाँ पर थ्री यहाँ पर क्या फोर जब आपको कहा गया था इसका एडजट निकाली तो आपने निकाला था आपके पास फोर वन या बस में इंटरचेंज चेंज हो गया था और बाकी के चिन्ह परिवर्तन मतलब माइनस थ्री और माइनस टू ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अब मैं चाहता हूँ कि इसके लिए इनवर्स निकाला जाए तो फिर हम चेक करेंगे कि इनवर्स का अस्तित्व होता है या नहीं देखो उसको उसके लिए क्या करते हैं हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट डे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर तो देखिए कैलकुलेट करेंगे हमको आता है ये हो जाएगा फोर माइनस सिक्स इक्वल टू कितना है माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो अब मुझे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिली है जो कि क्या है नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका सीधा सिदा सीधा अर्थ है कि ए इज नॉन सिंगुलर या आप कह सकते हो या तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि ए क्या हो गया एक नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स का क्या होगा अस्तित्व होने वाला पहले हम चेक भी करेंगे अस्तित्व है कि नहीं है तो इसको निकालना पहले अनिवार्य है आपके बाद इनवर्स निकालने से पहले ठीक है तो मैंने चेक कर लिया कि ए इनवर्स का अस्तित्व है नहीं क्योंकि डिफरेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका अर्थ है कि ये ए जो है वो नॉन सिंगुलर यानी अव्युत या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और ए इन्वर्स का क्या होने वाला अस्तित्व तो अब निकालेंगे देखो अब कैलकुलेट करते हैं तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है मैंने फॉर्मूला लिखा है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एड ज्वाइंट ए तो आपने वैल्यू निकाली है वन अपॉन माइनस टू और आपके पास एड ज्वाइंट मिला हुआ यह आपके पास था फोर माइनस टू माइनस थ्री और वन जब इस माइनस टू से आपके पास सबको वन अपॉइंट माइनस टू से सब सबको डिवाइड करते हो तो जाएगा देखिए ए इनवर्स के रूप में मुझे प्राप्त हुआ ये माइनस टू जो है इससे भी डिवाइड होगा इससे भी सब सब यानी वन अपॉइंट माइनस टू को मल्टीप्लाई करना है सबसे तो हो जाएगा पहले से मल्टीपा कर माइनस टू ये हो जाएगा प्लस वन ये हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू तो ये जो प्राप्त हुआ है ये है इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ठीक है ए इनवर्स तो एक मेथड आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वो था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक मेथड हमने इस बार पढ़ लिया है वो है आपके पास ए इनवर्स का जो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पास है ए इनवर्स इक्वल टू अपॉन डिटरमिनेंट ए एड ज्वाइंट ऑफ ए अब तृतीय कोटि के वर्ग आयु के लिए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा बाकी प्रोसेस तो वही है एड ज्वाइंट निकाला जाएगा और डिटरमिनेंट निकाल जाएगा, जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन आपके पास है कि ये एक थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ए इनवर्स निकालना है यदि अस्तित्व हो तो पहले अस्तित्व होना चाहिए पास ठीक है तो देखिए सॉल्यूशन इसका तो हमारे पास दिया हुआ मैट्रिक्स है वी हैव ए इक्वल टू वन माइनस वन ज़ीरो फोर टू ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो और टू ये इस प्रकार से ये है हाँ आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैं चाहता हूँ कि इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जाए तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता भी कि नहीं यानी इनवर्स मैट्रिक्स का अस्तित्व है नहीं ठीक है तो देखो इसके लिए हम निकालते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए तो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा वन माइनस वन ज़ीरो फोर टू ज़ीरो 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 और तो ये इसका डिटर्मिनेंट आपके पास इस प्रकार से इसका नोटेशन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट के द्वारा मैंने आपको बताया था कि हम डिटर्नेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम उस पंक्ति या उस कॉलम के उसका एक्सपेंशन करेंगे यानी हम उसको उसके एक्सपेंड करेंगे की वैल्यू निकालने के लिए जिसमें सबसे अधिक शून्य हो यानी मैक्सिमम होने चाहिए तो मैं क्लियरली देखता था हूँ थर्ड कॉलम या थर्ड रो के अला करेंगे तो मैक्सिमम जीरो तो मैंने क्या कर दिया इसको एक्सपेंड कर दिया आर थ्री किसके अलोंग आर थ्री के ठीक तो सिंपल सा हो जाएगा देखो डिफरेंट क्योंकि पहले दोनों एलिमेंट तो जीरो जीरो है, जीरो प्लस जीरो अब आंदा टू ने अब इसके आगे से प्लस आएगा या माइनस हम देखते हैं इसकी पोजिशन क्या है क्योंकि ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो का है तो थ्री प्लस टू थ्री होता है आपके पास सिक्स जो कि आपके पास इवन नंबर है तो इवन के केस में हमें क्या था प्लस इससे पहले उन्होंने नेगेटिव आना था पर इसने जीरो के कारण था उसको असर पड़ेगा ठीक है अब जिस कॉलम जिस आपके पास रो में उसको हटाएंगे तो पास हो जाएगा वन फोर माइनस वन टू एक को जिस प्रकार से जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ए को तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ये हो गया टू माइनस माइनस का प्लस फोर तो और आपके पास सिक्स और ये आपके पास कितना आ गया आपके पास सिंपल सा ट्वेल्व तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ट्वेल्व जो कि क्या है जीरो के बराबर नहीं है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो इसका अर्थ हो गया इसका एक ही अर्थ है कि ए जो है इज नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर कहो या हमें कहते हैं आपके पास इन्वर्टिबल ये क्या हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का अर्थ हो गया कि ए इन्वर्स का अस्तित्व भी आपके पास है तो मैंने डिटरमिनेंट ए निकाल लिया है अब निकालना क्या है उसके लिए आपके पास एडजोइंट निकालना है अब एड की प्रोसेस देखिए आपके पास तो इस मैट्रिक्स ए के लिए मैं एड निकालना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके पास से करते हैं उनके आ, को फैक्टर निकाल देते हैं किस प्रकार से तो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ और साथ में इसको नोटेशन है ए आई जे के द्वारा और यहाँ आपके पास को फैक्टर्स वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आपके पास इधर को फैक्टर भी कैसे निकालेंगे देखो सबसे पहले एलिमेंट है ए वन वन तो यानी है वन इसका जो को फैक्टर होगा वो, वो कैपिटल ए वन वन होने वाला है क्या होने वाला है कैपिटल ए वन वन ठीक तो कैसे निकालेंगे आपके पास देखो ये आपके पास कैपिटल ए वन वन कैसे निकालेंगे तो पहले वन प्लस वन कितना हो गया टू जो कि क्या रहा है ऑड तो ऑड जब भी हो सॉरी इवन इवन के केस में हमें से लेना है पॉजिटिव लेना है यानी सम संख्या प्राप्त हो रही हो टू है तो सम संख्या तो क्या है पॉजिटिव लेना है अब करना क्या है जिस रो और जिस कॉलम में ये था उसको हटा देना है पहली रो और पहले कॉलम को कौल हटाएंगे तो पास क्या मिला देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू जीरो जीरो टू जब सिंप्लीफाई करना तो प्लस ऐसे ही रहेगा ये हो गया फोर माइनस जीरो यानी आपके पास क्या मिल गया प्लस फोर तो आपके पास जो पहला एलिमेंट है उसके लिए आपके पास को फैक्टर जो है वो मिल गया प्लस फोर इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट मैंने कहा उसी रो का वन टू इक्वल टू है फोर इसका जो को फैक्टर होगा वो भी होगा वन टू कैपिटल के रूप में पर ध्यान देना वन प्लस टू कितना और था आपके पास थ्री जो कि क्या ऑड नंबर आ रहा है यानी आपके पास विषय में तो क्या लेना नेगेटिव ले लेना ले कह रहे हैं और वही जिस पंक्ति और जिस कॉलम में ये है यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम उसको हटा देना पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटेगा आपके पास बच रहा है माइनस वन जीरो जीरो और टू तो जिसको सिंपलीफाई करता माइनस ये गुणा और रहा माइनस टू और ये जीरो माइनस टू माइनस जीरो तो यानी प्लस टू तो बस ये प, आपके पास अगला एलिमेंट मिल गया ठीक इसी प्रकार से अगला एलिमेंट था ए वन थ्री ये आपके पास है ज़ीरो अब ऐसे नहीं कि जीरो है तो जीरो है नहीं इसके को फैक्टर निकालने पड़ेंगे तो किसका को फैक्टर होगा कैपिटल ए वन थ्री वन प्लस थ्री फिर से आपके पास हो रहा है फोर यानी पस आपके पास इवन नंबर मिला है यानी सम संख्या तो क्या लेना है पॉजिटिव लेना है और वही जिस पंक्ति जिस कॉलम में एलिमेंट्स है उसको हटा देना पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम हटेगा तो माइनस वन टू जीरो और जीरो तो ये गुणा इधर भी जीरो ये भी जीरो और तो आपके पास क्या मिलेगा केवल जीरो प्राप्त हो इस प्रकार से जैसे मैंने आपके पास इस तीन अवयु के लिए निकाले हैं वैसे आप अदर एलि आपके पास को फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं देखिए आपके पास क्या प्राप्त होता है इसी प्रकार से जब आपके पास अन्य एलिमेंट्स के लिए भी जब को फैक्टर मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलेगा तो जब आपने सब एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लें तो देखो एड क्या होता है देन एड ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा एलिमेंट्स की जगह पर उनके कोफैक्टर वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री हमें करना क्या होगा एलिमेंट्स की जगह पर उनके को फैक्टर निकाल रख देने हैं तो एक जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है उसका क्या लेना है ट्रांसपोर्ज लेना कहना है ट्रांसपोज देखें आपके पास आपने सारे को निकाले निकाले मैं आपके पास है फोर टू ज़ीरो आपके पास है माइनस एट टू ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो और सिक्स तो मुझे ये मिला मैट्रिक्स इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज निकालना है ट्रांसपोज निकालना भूलना नहीं है ट्रांसपोज निकालना बहुत जरूरी है बस ठीक है अगर वो ट्रांसपोज निकलेगा तो, तो गलत हो जाएगा ठीक है तो आपके पास फाइनली मिल रहा है एट ज्वाइंट ए इक्वल टू देखिए कैसे निकालते हैं आपको मालूम है ट्रांसपोज के दौरान पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हो जाएगा फोर टू ज़ीरो इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति भी दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी तो माइनस एट माइ प्लस टू प्लस टू और जीरो और तीसरा जो कॉलम और तीसरे पं तीसरा जो पंक्त तीसरे कॉलम पंक, के रुमाय के दो तो, जीरो जीरो और सिक्स तो मुझे मिल गया एड अब मैंने को फैक्टर भी निकाल लिया है आपके पास सॉरी डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लिया है और एड भी निकाल लिया है, तो हम ईजीली क्या निकाल सकते हैं ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं तो देखिए क्या होगा तो इस दौरान आपके पास डिटर्मिनेट ये मैट्रिक्स ए है उसके लिए उसका एड हमने निकाल लिया उसका डिटर्मिनंट हमने निकाला होगा ठीक है तो ए इनवर्स देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला है वन अपॉन डिटर्मेंट ए इंटू एड ज्वाइंट ए यानी इस केस में हो जाएगा वन अपॉइंट ट्वेल्व और एड ज्वाइंट निकाल आपके पास फोर टू ज़ीरो माइनस एट टू ज़ीरो 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 सिक्स तो क्या करेंगे आपको मालूम है वन अपॉइंट ट्वेल्व से प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास सिंपल सा देखो क्या हो जाएगा आपके पास ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेल्व माइनस एट अपॉन ट्वेल्व जीरो अपॉन ट्वेल्व दूसरा हो जाएगा टू अपॉन ट्वेल्व टू अपॉन ट्वेल्व ज़ीरो अपॉन ट्वेल्व फिर तीसरे उसमें होगा जीरो अपॉन ट्वेल्व जीरो अपॉन ट्वेल्व और सिक्स अपॉन ट्वेल्व ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया वन अपॉन ट्वेल्व तो सिंपली आपके पास ए इनवर्स इक्वल टू प्राप्त हो गया देखिए ए इनवर्स इक्वल टू अब मालूम है मैं फोर अपॉन ट्वेल्व मतलब वन अपॉन थ्री आपके पास माइनस टू अपॉन थ्री ये तो ज़ीरो ही वन अपॉन सिक्स वन अपॉन सिक्स ज़ीरो 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 और वन अपॉन टू तो ये मुझे मिल गया मैट्रिक्स ए के लिए उसका इन्वर्स मैट्रिक आपके पास ठीक है तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है क्योंकि आगे भी इसका यूज़ होगा काफ़ी जगह आपके पास ठीक तो जो हमने आज पढ़ा थोड़ा सा देखिए क्या है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए हमने जो पढ़ा देखो पहला पद ए इनवर्स का फॉर्मूला है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजोइंट ज्वाइंट ए और इसी के आधार पर मैंने पढ़ा था पद आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा था नॉन सिंगुलर कहते हैं या इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान देना है कि नॉन सिंगुलर आपके पास होगा तो सीधा सीधा आपके पास है नॉन सिंगुलर का अर्थ है उसे हम अव्युतकर्मणी कहते हैं और उसके लिए स्थिति क्या है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट सॉरी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू तो जीरो कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जा रही जरिए जीरो जैसे इसके फॉर्मूला है मेन अब देखो इनवर्स का अस्तित्व कब होगा जब इसमें आपके पास इसको जीरो नहीं होना अगर ये जीरो हो जाएगा तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है तो इसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसके लिए ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो होगी उसे हम कहेंगे सिंगुलर यानी अव्युतकर्मणिया ठीक जबकि नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल के, के केस में हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए जीरो नहीं होने चाहिए ठीक है तो हमने पढ़ा होगा मेन फॉर्मूला ये है ये केवल बोला फर्स्ट क्या कभी कभी एक नंबर में आता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे जिसका लिए डिमेंट की वैल्यू क्या है जीरो इसके अलावा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है एक तो हमने वैसे थोड़ा सा तीसरे चैप्टर में पढ़ा है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा यानी जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो क्या होता है हमेशा यूनिक तो ठीक है द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ यूनिक हमेशा एक ही आपके पास क्या मिलेगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक ही इन्वर्स मिलेगा चाहे आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे पिछले वाले जो हैं जो आपने जो 3.4 में किए थे एलिमेंट्री ऑप्शन से ए इन्वर्स निकाला था वो क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो इस मेथड से भी कर सकते हो और आप देखेंगे जो उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से आपके पास इन्वर्स क्या मिलेगा हमेशा एक ही मिलेगा ठीक और इसके अलावा आपके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके पास रिवर्स रिवर्सल लॉ भी कहलाता है आपके पास ठीक है ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स तो वो क्या है देखो ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा बी इन्वर्स इनटू ए इनवर्स अभी देखो अगर ए और बी इस प्रकार के दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो ए बी के बाद जो प्राप्त दो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाले हैं ठीक है वेयर ए एंड बी आर ए एंड बी आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स अनिवार्य से दोनों को सेम ऑर्डर का क्या होना है स्क्वायर मैट्री तभी तो उसका आपके पास मल्टीप्लाई पॉसिबल होने वाला है ठीक है तो एक प्रॉपर्टी है ना इसकी जैसे ना ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोज में भी आपके पास एक प्रॉपर्टी थी कि ए बी का होल डैश इक्वल टू तो बी डैश इन ए डैश तो ये आपके पास यहाँ जो डैश के लिए तो इनवर्स के लिए भी वो प्रॉपर्टी अप्लाइड हो रही है किताब में में पास थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है आप समझ सकते हो तो ये थे आपके पास कि इनवर्स मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज ए तो ये आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मैं इसके कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं उसको आपको मैं कराऊंगा आपके पास